हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं। यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं UPTET, CTET, KVS, NVS, DSSSB, HTET, RTET और ऐसे ही सभी राज्यों के TET प्रश्न पत्रों की। अगर आप भी इनकी तैयारी कर रहे हैं और एक लर्निंग एस्पिरेंट है और पढ़ने में आपको भी क्रेज है तो चैनल सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर बताएं। जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया है उन्हें दिल से शुक्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। पहला आपका है यह परिवर्तन की अवस्था है। अब परिवर्तन से हमारा तात्पर्य क्या है? परिवर्तन अर्थात होता है चेंजेस। यहाँ पे जब बच्चा इस स्टेज में पहुँचता है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि देखिए, उसमें क्या होता है, विषमलिंगी भावना का विकास हो जाता है। इस अवस्था में ही होता है, यानी कि किशोरावस्था में जब बच्चा पहुंचता है तो उसमें विषमलिंगी भावना का विकास हो जाता है। विषमलिंगी अर्थात हो जाता है वो अपने अपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होना, यानी कि अपोजिट जेंडर से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। उसमें ये भावनाओं का विकास धीरे धीरे होने लगता है। ये किशोरावस्था की अवस्था में ही होता है, ना कि बाल्यावस्था में होता है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हो जाता है, इस अवस्था में बालक में जो है वो कल्पना शक्ति की प्रधानता हो जाती है। अब कल्पना शक्ति से मतलब क्या है? आपका इमेजिनेशन जो है वो उसकी बियॉन्ड द लेवल की हो जाती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा कल्पना करते हैं और उनकी कल्पना को वो प्रधानता भी देते हैं, यानी प्रायोरिटी भी देते हैं। और ये जो है वो तनाव और परेशानी की अवस्था भी कही जाती है। तो देखिए, वो बच्चा जो है वो इस स्टेज में हो जाता है, उसमें स्ट्रेस बहुत हो जाता है, प्रॉब्लम भी बहुत हो जाती है, तो इसको हम तनाव और परेशानी की अवस्था भी कहते हैं। और यह जो है वो पूर्ण वृद्धि की अवस्था कहलाती है। अब पूर्ण वृद्धि की अवस्था यानी कि उसमें फुल डेवलपमेंट जो भी है ये हो जाता है इसी अवस्था में, ऐसा माना जाता है। और यह जो है वो आत्मनिर्भरता और व्यवसाय चुनने की अवस्था भी होती है। तो आत्मनिर्भरता यानी कि आपका होता है सेल्फ इंडिपेंडेंस, और व्यवसाय चुनने की अवस्था यानी कि वो जॉब्स वगैरह स्टार्ट करने के लिए, अपना करियर स्टार्ट करने के लिए, क्या उन्हें किस फैकल्टी में जाना है, क्या फील्ड चूज़ करना है एंड ऑल, ये सारे डिसाइड करने की स्टेज इनकी होता है, वो होती है आपकी किशोरावस्था। तो यहाँ पर हमने किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएँ देखी हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से थे कि परिवर्तन की अवस्था इसे कहा जाता है किशोरावस्था को, और यह अवस्था जो है विषमलिंगी भावना का विकास होता है इसमें। इसी अवस्था में जो है बालक की कल्पना शक्ति में प्रधानता हो जाती है, वो सोचने समझने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम हो जाता है। उसे तनाव और परेशानी की अवस्था भी इसे कहा जाता है। किशोरावस्था को तनाव और परेशानी की अवस्था भी कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। और यह जो है वो पूर्ण वृद्धि की अवस्था भी कहलाती है। पूर्ण वृद्धि से तात्पर्य यह है कि उसमें फुल जो डेवलपमेंट है उसमें हो जाता है, वो सोचने समझने हर चीज़ के लिए वो सक्षम हो जाता है। और यहाँ पे आखिरी जो है वो आपका है आत्मनिर्भरता और व्यवसाय चुनने की अवस्था है। तो यानी आत्मनिर्भरता है वो सेल्फ इंडिपेंडेंस हो जाता है, यहाँ पे खुद के निर्णय खुद से ले सकता है। और व्यवसाय चुनने की यानी कैरियर में उसे किस फील्ड में जाना है, क्या चूज़ करना है एंड ऑल, ये सब डिसाइड वो कर सकता है इस स्टेज में। तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।